अपने आदेश में ट्रायल कोर्ट ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इंटरिम बेल के आदेश को भी उल्लेखित किया है, और वो क्या है? वो आदेश ये कहता है कि अरविंद केजरीवाल का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, अरविंद केजरीवाल समाज के लिए कोई खतरा नहीं है, अरविंद केजरीवाल इस मामले में, इस पूरे मामले में 2022 अगस्त से मामला पेंडिंग है, अरविंद केजरीवाल का नाम सीबीआई की एफआईआर में नहीं है, अरविंद केजरीवाल 21 मार्च 2024 को अरेस्ट किए गए और उनकी गिरफ्तारी वैध है या अवैध है ये मामला अभी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, उस पर फैसला आना बाकी है। अब एक एक पैरा अगर आप इसका पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, आदेश की कॉपी आपको मिल भी गई होगी और आपको अभी मैं पढ़ के भी बता देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट जो पैरा है उसके, किस तरीके से बीजेपी की सरकार ने, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ने एक गहरी साजिश रचकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को, मुझे पकड़ के जेल में डाला, और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ मकसद है एक, केजरीवाल की राजनीति खत्म करो, आम आदमी पार्टी को खत्म करो। जब कल आदेश आ गया तो पूरी की पूरी ईडी सदमे में चली गई, सदमे से बेचारे निकल ही नहीं पा रहे थे, उनको उनके ऊपर के आताओं ने डांटा बिगड़ा, अरे क्या किया तूने, तुझे तो जो काम कहा गया था ठीक से किया ही नहीं, चल लाइन में लग जा, बोले हुजूर कहां लगना, बोले सुबह सुबह हाई कोर्ट पहुंच जा, पहुंच गई हाई कोर्ट ईडी। मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं, बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं, दिमाग से बिल्कुल पैदल हो गए हो क्या, बुद्धि काम करना बंद हो गई तुम लोगों की, तुम्हारी मत भ्रष्ट हो गई, अरे ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ, ट्रायल कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं मिली, उससे पहले हाई कोर्ट पहुंच गए। कभी आज तक भारत के न्यायपालिका के इतिहास में आपने ऐसा सुना हो तो बताइए, मैं चुनौती देके कहना चाहता हूं, किसी न्यायालय के आदेश की कॉपी तक नहीं मिली, आदेश में क्या लिखा है यह जज साहब को मालूम ही नहीं है, ईडी को भी नहीं मालूम है, और उससे पहले ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई कि साहब केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगाइए। ये क्या हो रहा है इस देश में? प्रधानमंत्री जी, क्या आप ऐसे देश की न्याय व्यवस्था चलाएंगे? अपनी जांच एजेंसियों को इस तरह से कानून का माखौल उड़ाने के लिए हमेशा आगे करते रहेंगे? इन जांच एजेंसियों के पीछे खड़े होकर आप कितने घिनौने खेल रचना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? कल तक बीजेपी वाले कहते थे देखो बेल नहीं हुई, देखो बेल नहीं हुई, देखो बेल नहीं हुई, अब बेल हो गई तो बगैर आदेश के उसको रुकवाने पहुंच गए, बगैर आदेश के रुकवाने पहुंच गए। और मैं समझता हूं कि माननीय हाई कोर्ट निश्चित रूप से इस बात का संज्ञान लेगा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में क्या क्या बातें लिखी गई हैं और किस आधार पर अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी गई है।